8.3 अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड और उत्तरी अमेरिका में उपनिवेश स्थापित किए गए। ये 13 प्रांतों में बटे हुए थे। इसमें इंग्लैंड से बड़ी संख्या में कृषक, कारीगर, व्यापारी आदि बसे हुए थे। 18वीं सदी में अमेरिकी उपनिवेशों के लिए इंग्लैंड की संसद कानून बनाती थी, परंतु वहाँ के लोगों को संसद के लिए प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार नहीं था। संसद जो कर व शुल्क लगाए और कानून बनाए, वे अमेरिकी उपनिवेश के निवासी के हित में नहीं बल्कि इंग्लैंड के व्यापारियों और व्यवसायियों के हित में थे। अमेरिकी उपनिवेश के लोगों का नारा बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं था। सन 1744 में सभी उपनिवेशों के विरोध स्वरूप फिलाडेल्फिया में अपने प्रतिनिधित्व में एक संयुक्त बैठक रखी, जिसे कांग्रेस कहा गया। कांग्रेस ने इंग्लैंड के राजा जॉर्ज तृतीय से अनुरोध किया कि उपनिवेशों को अपने लिए कानून बनाने का अधिकार दिया जाए। राजा ने इसे बगावत माना और सन 1775 में अमेरिका पर युद्ध की घोषणा कर दी। फिलाडेल्फिया में 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की तीसरी बैठक कांग्रेस हुई। 4 जुलाई सन 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। इस घोषणा के लेखक थॉमस जेफरसन थे। सन 1781 में अमेरिका ने फ्रांस की सैन्य मदद लेकर इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध जीत लिया। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका यह युद्ध जीता। वह प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और उनके द्वारा अमेरिका की सरकार ने गणतांत्रिक अर्थात लोगों के द्वारा राष्ट्र अध्यक्ष का चुनना तय किया। इनके निर्माताओं में से थॉमस जेफरसन भी थे, जिन पर लॉक और रूसो के विचारों का बहुत प्रभाव था। आइए हम इनके बारे में व उनके विचारों के बारे में जानें। जॉन लॉक। लॉक विश्व के महान दार्शनिकों में गिने जाते हैं। उन्होंने निरंकुशता के विरोध में और लोकतंत्र के समर्थन में कई ग्रंथ रचे। चार्ल्स और जेम्स द्वितीय की नीतियों के वे आलोचक थे। उन्हें उन दिनों स्वदेश छोड़कर हॉलैंड में रहना पड़ा। सन 1688 में वे मेरी द्वितीय, जो बाद में इंग्लैंड की रानी बनी, के साथ स्वदेश लौटे। लॉक सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वालों में से थे। इस सिद्धांत के अनुसार समाज के लोग मिलकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने तथा अपने अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से राज्य को स्थापित करते हैं। लोगों के हित और अधिकार इस कारण राज्य में सर्वोपरि हैं। राजा व मंत्रियों को लोगों से सत्ता मिलती है, इस कारण वे लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं। लॉक ने निरंकुशता से बचाव के लिए शासन के कार्यक्षेत्रों के विभाजन का सुझाव रखा। उनका सुझाव था कि शासन के तीन पक्ष, कानून बनाना, लागू करना तथा न्याय देना, इन्हें तीन स्वतंत्र क्षेत्रों में बांटना चाहिए। उदाहरण के लिए, संसद कानून बनाए, राजा लागू करे और स्वतंत्र न्यायाधीश न्याय करे। इस तरह किसी एक के अत्यंत शक्तिशाली और निरंकुश होने से बचा जा सकता है। इसी विचार को बाद में मॉन्टेस्क्यू, जन्म सन 1689, मृत्यु सन 1755, नामक फ्रेंच विचारक ने शक्ति विभाजन सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत के रूप में पेश किया। सभी मानव समान एवं स्वतंत्र हैं, इसलिए किसी व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति को हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। जॉन जॉक रूसो, जन्म सन 1712, मृत्यु सन 1778। रूसो ने अपने राजनैतिक विचार दो महत्वपूर्ण पुस्तकों में प्रकाशित किए, असमानता पर विमर्श सन 1754 तथा सामाजिक अनुबंध सन 1762। रूसो का मानना था कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से संयमी और नैतिक होता है और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहता है। प्रारंभ में कोई निजी संपत्ति नहीं थी
और जमीन और जंगल सबका होता था। सब लोग आवश्यकतानुसार सारे काम करते थे और अपने उत्पादन को मिलकर उपभोग करते थे। लोग समस्याओं का आपसी बातचीत से हल निकालते थे, लेकिन समय के साथ निजी संपत्ति, कार्य का विभाजन, असमानता और सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य विकृत होता गया। धनी और ताकतवर लोग अपनी इच्छा बाकी लोगों पर थोपने लगे और उन्हें गुलामी में रखने लगे। मनुष्य के बीच असमानता को बनाए रखने के लिए लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रता को नकारना जरूरी हो गया। रूसो का प्रसिद्ध कथन है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है मगर सब तरफ व जंजीरों से बंधा हुआ है। इसका हल यही हो सकता है कि सारे लोग मिलकर एक नया सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें, जिसके तहत वे अपने प्राकृतिक अधिकारों या इच्छाओं को प्राथमिकता न देकर सामुदायिक निश्चय, जनरल विल को प्राथमिकता दें। यह निश्चय सब लोगों के साझे विचार विमर्श और न्याय के सिद्धांतों के आधार पर बनेगा। सामुदायिक निश्चय को प्राथमिकता देने पर कोई इंसान किसी ताकतवर या धनी व्यक्ति की इच्छाओं से संचालित नहीं होगा। रूसो के ये सिद्धांत आने वाले युग में लोकतांत्रिक आंदोलनों के आधार बने।